नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं मशहूर ताज होटल के बिल्कुल सामने। भारत का ताज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, एक बड़ा जुड़ाव इस होटल से उनका था। यूं तो जमशेद जी टाटा ने 1903 में इसे बनवाया था इस होटल को, लेकिन जो जुड़ाव रतन टाटा का था आप इस बात से समझ सकते हैं कि 26/11 का हमला, आतंकी हमला जब यहाँ पर हुआ, बड़ी क्षति होटल को पहुँची थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने इस होटल को खड़ा किया। उनके सम्मान में और शोक जताते हुए होटल के अंदर आज तमाम समारोहों को रद्द कर दिया गया। इधर महाराष्ट्र में एक दिन का राजकीय शोक हुआ और महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की सिफारिश केंद्र से की। दिखाते हैं आपको देश ने अपने रतन को किस तरह से अलविदा कहा। देश ने अपने रतन को कुछ यूं अलविदा कहा। एक सच्चे राष्ट्र निर्माता जिसने भारत को सर्वोपरि रखा, राजकीय सम्मान गन सल्यूट के साथ तिरंगे में लिपटकर अपने विशाल कार्यों और नेक विचार की महान विरासत पीछे छोड़ गए। भारत में औद्योगिक क्रांति के महानायक टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में बुधवार देर रात अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वैसे इस अंतिम सफर में भी उनकी सादगी की झलक दिखती रही, भव्यता और तामझाम से बिल्कुल दूर। ब्रिज कैंडी अस्पताल से लेकर उनके कोलाबा वाले घर, एनसीपीए लॉन से लेकर वर्ली शवदागरी, जहां जहां से उनका पार्थिव शरीर गुजरा, भावनाओं का समंदर उमड़ पड़ा। अंतिम दर्शन के लिए राजनेताओं से लेकर कॉर्पोरेट लीडर्स, खेल और फिल्मी हस्तियां जुटी रहीं, पर सबसे खास रही ये कतार, जहां भावुक आंखों में रतन टाटा द्वारा किए उन सेवाओं या प्रेरणा की झलक दिखती रही जिसने उनके जीवन को बदल दिया। कई बार इस कतार ने भगदड़ का रूप भी लिया। जिंदगी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। सर, कोई ऐसी बात जो आपको याद आती है उनसे हुई मुलाकात के दौरान, कोई ऐसी बात? हमेशा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनको अपने कंपनीज के बारे में हमेशा सोचते थे 24/7। इज आउटस्टैंडिंग पर्सन। मुझे याद है जब कोविड की महामारी ने देश को इतने तकलीफ में डाला, तब हमारी एक बातचीत चल रही थी कैसे भारत के उद्योग जगत के लोग मदद कर सकते हैं। तो रतन टाटा जी ने एक मिनट झिझक नहीं की, सीधा कहा कि टाटा ग्रुप 1500 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार के साथ जुड़ के खर्चा करेगा। मैं समझता हूँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने जीवन भर व्यापार और उद्योग को तो बहुत नई ऊंचाइयों तक लेके गए ही, ईमानदार व्यवस्थाओं से भी कैसे उद्योग बड़ा बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जा सकता है, उसका एक जीवंत उदाहरण। आई थिंक व्हेनेवर द हिस्ट्री ऑफ व्हेनेवर द इकोनॉमिक, दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तब मुझे लगता है कि उनकी उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए एक पूरी पुस्तक भी कम पड़ेगी। नागपुर में पहले कॉटन मिल की शुरुआत के साथ महाराष्ट्र से टाटा समूह का जुड़ाव 150 साल पुराना है। रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र में एक दिन के शोक की घोषणा की गई। राज्य कैबिनेट की बैठक में रतन टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित हुआ, जिसमें केंद्र से रतन टाटा को उनकी उपलब्धियों के लिए भारत रत्न की मांग रखी गई। आज अपन शासकीय दुखवटा जाहिर केलेला आहे, राजकीय शोक मना रहे हैं। आज केंद्र से भारत रत्न की मांग रखी है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने सम्मान में कई फैसले लिए। रतन टाटा की स्मृति में उद्योग रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार कर दिया गया, तो मुंबई में बनने जा रही सबसे बड़ी इमारत उद्योग भवन का नाम भी रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। पिछले साल उनको उद्योग रत्न पुरस्कार पहला महाराष्ट्र शासन का दिया था, अभी ये साल से उस पुरस्कार का नामकरण भी रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार ऐसा होगा। और जो सबसे बड़ी
MIDC की बिल्डिंग उद्योग भवन की नरीमन पॉइंट पे हो रही है, जिसका खर्चा मेरे ख्याल से 700 करोड़ रुपया है और वो देश की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उद्योग भवन है। उसको भी माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने रतन टाटा उद्योग भवन नाम देने का आज फैसला किया है। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण तक के रतन भले आज अलविदा कह चुके हों, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के दिलों में वो नए भारत के निर्माण में बड़े योगदान के लिए ब्रांड इंडिया एम्बेसडर के तौर पर चमकते रहेंगे। मुंबई से अपने सहयोगी रौनक कुकड़े, पारस दामा और कैमरामैन सचिन सावंत, संदेश बैकर और प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां बच्चों के साथ हैवानियत की घटना सामने आई। गेहूं चोरी के आरोप में समाज ने इन छोटे बच्चों को ऐसी सजा दी कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। इन बच्चों को चोरी के आरोप में चेहरे पर कालिक पोती गई, तीन बच्चों के सर मुंडवाए गए, गांव में घुमाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर क्या इन बच्चों के जहन में जो सजा के घाव हैं वो भर पाएंगे? दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बहराइच जिले का ये वही मुर्गा फार्म है जहां तीन बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। आरोप लगाया गया कि बच्चों ने 5 किलो गेहूं चुराने की कोशिश की, लेकिन इसकी ना कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई और ना थाने में गए, बल्कि कानून अपने हाथ में लेकर तीनों बच्चों के मुंह पर कालिक पोती, उनका आधा सर मुंडवाया और चोर लिखकर पूरे गांव में घुमाया गया। मेरे साथ एक बार झूठा इल्जाम लगाते थे सर, गड़सा के बारे में, हमने गड़सा जानता भी नहीं था। ये घटना बहराइच के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में हुई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें मुर्गा फार्म का मालिक और उसके दो दोस्त शामिल हैं। हम नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई, जिसमें SC ST Act और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें तीन आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मासूम बच्चों के साथ ऐसा अमानवीय बर्ताव करने के लिए अपराधियों को मौका रहते पकड़ तो लिया गया, लेकिन इस तरह की घटनाएं हमारे पूरे समाज और उसकी सोच पर सवाल उठाती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि जमाना बदलने के बाद भी हमारी मानसिकता क्यों नहीं बदली है। बहराइच से सलीम सिद्दीकी के साथ रणवीर सिंह की रिपोर्ट। और अब ये बात बिहार की करते हैं। बिहार सरकार चाहती है कि उनके शिक्षक बिल्कुल संस्कारी बन के स्कूल आए। शिक्षा विभाग ने आखिर ऐसा क्या नया खास संदेश जारी किया है जो चर्चा में है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे। सरकारी शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। बहुत सारे आदेश हैं, ये तो अकेला एक आदेश है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे आदेश हम लोग धीरे धीरे निकालेंगे। हम लोगों ने टाइमिंग पे निकाला, स्कूल टाइमिंग पे निकाला, स्कूल में कैसे पढ़ाया जाना है ये निकाला, और तो हम लोगों ने उनका ड्रेस कोड पर भी निकाला। कुछ रील्स हम लोगों ने देखे, बट मेजर ट्रिगर पॉइंट वो नहीं था। हम लोगों ने सोचा कि क्योंकि नए टीचर्स हैं तो उनको भी सिखाना चाहिए कि क्या सरकारी नियम है, सरकारी रूल है और सरकारी ड्रेस है। लेकिन वरिष्ठ अफसरों का कहना है कि ये नियम पुराने हैं, अब बस इन्हें सख्ती से लागू किया जा रहा है। जब ये आदेश निकला था 2019 में, तो लोग जीन्स और टी शर्ट और स्पोर्ट्स शूज में आते थे, तो राज्य सरकार ने को ये आदेश निकाल के रिट्रेट करना पड़ा कि सरकारी जो ड्रेस कोड है वो उस पत्र में उल्लेख किया गया है। और हम लोगों ने भी देखा कि जब विभिन्न स्कूल्स में इंस्पेक्शंस में जाते हैं तो ये ड्रेस कोड फॉलो करने की आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की। एक तो बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है और माहौल में भी प्रभाव पड़ता है, तो हम लोगों ने कहा कि जो राज्य सरकार का जो स्टैंडर्ड ड्रेस कोड है उसको लागू किया जाए, और उसी चिट्ठी को हम लोगों ने रिट्रेक्ट किया। इस आदेश को लेकर सख्ती के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि आजकल बड़ी संख्या में शिक्षक स्कूल में ही रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश करते रहते हैं। सरकार मानती है कि इनसे स्कूल के माहौल पर गलत असर पड़ता है। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया।
बेंगलुरु में 4 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए जो कि हिंदू नाम और भारतीय पासपोर्ट के साथ रह रहे थे। जांच शुरू हुई तो पुलिस की जद में 19 लोग आए जिनमें से 18 पाकिस्तानी नागरिक निकले। अब आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक हिंदू नाम और भारतीय पासपोर्ट के साथ यहां पर रह रहे हैं। दिखाते हैं आपको निहाल किदवई की रिपोर्ट। शंकर शर्मा उर्फ राशिद अली सिद्दीकी, आशा शर्मा उर्फ आयशा, राम बाबू शर्मा उर्फ हनीफ और रानी शर्मा उर्फ रुबीना, सारे के सारे फर्जी नाम और फर्जी पासपोर्ट। न जाने कितने लोग देश के अलग अलग हिस्सों में छुपे होंगे। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड परवेज को बताया जा रहा है, जिसने कई पाकिस्तानियों के फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए। जांच चल रही है। हमने कुछ लोगों को पकड़ा है। कितने लोग आए, कैसे आए, कब आए, इसकी जांच होनी है। हमने आईबी को सूचित कर दिया है। कितने लोग कहां रह रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। बेंगलुरु में 14 और गिरफ्तारियां हुई। ये सभी पाकिस्तानी नागरिक हैं। परवेज भारतीय नागरिक है लेकिन उसकी पत्नी पाकिस्तानी। ये सभी मेहदी फाउंडेशन से जुड़े हैं, जिस पर पाकिस्तान में पाबंदी। शंकर शर्मा उर्फ राशिद अली सिद्दीकी का परिवार 10 वर्षों से भारत में रह रहा था। परवेज जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पुलिस ने परवेज से कहा कि जितने पाकिस्तानी नागरिकों का आधार कार्ड और पासपोर्ट उसने बनवाया है, उन सबों को मीटिंग के बहाने बेंगलुरु बुलाए। परवेज ने सबों को फोन किया और बेंगलुरु बुलाया। जैसे ही ये लोग देश के अलग अलग हिस्सों से बेंगलुरु पहुंचे, पुलिस ने एक साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया। खुफिया एजेंसियां अब यह पता करने में जुटी हैं कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा था, फंडिंग का स्रोत क्या था, साथ ही साथ इनकी मंशा क्या थी। क्या ये सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करने के लिए देश में रह रहे थे या मकसद कुछ और था। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। मलाबार समूह ने देश भर में 21,000 लड़कियों की शिक्षा में मदद के लिए 16 करोड़ की राष्ट्रीय स्कॉलरशिप की घोषणा की। मुंबई में कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये घोषणा हुई। इस स्कॉलरशिप के अलावा मलाबार ग्रुप की अहम पहल हंगर फ्री वर्ल्ड के तहत 16 राज्यों के 80 शहरों में रोज 50,000 फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं। समूह ने ग्रैंडमा होम परियोजना भी शुरू की है, जिसका मकसद बेसहारा महिलाओं की मदद करना है। फिलहाल बेंगलुरु और हैदराबाद में ऐसे होम चल रहे हैं। सिटी सेंटर शो में इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली में रामलीला के रंग। नवरात्र चल रहे हैं और इसी दौरान दिल्ली में रामलीला के लिए मंच एक बार फिर से सज चुका है। आम हो या खास, सभी रामलीला का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर इसे देखने के लिए बेताब हैं। किस तरह से दिख रहा है यहाँ पर रामलीला का रंग, दिखाते हैं आपको हमारे सहयोगी अतुल रंजन की रिपोर्ट। मनोज चमोली 6 वर्षों से दशानन रावण का किरदार निभा रहे हैं। दो घंटे की मेहनत के बाद वो इस रूप में आते हैं और फिर मंच पर छा जाते हैं। मैं दुखी मन से अपने नगर लौट आया। रावण तो अपने आप में एक नाम है। नायकों में राम के आगे स्टॉप लग जाता है राम, उससे आगे कोई नायक नहीं है। और खलनायकों में रावण स्टॉप लग जाता है, उसके बाद कोई है कुछ ही नहीं है, सिर्फ रावण है। मैं अपने इरादे से बाज नहीं आऊंगा सीता को छोड़कर। रामलीला में अगर रावण की धमक है तो बलशाली हनुमान की भी गूंज कुछ कम नहीं। काल कहता है, मैं उसका भी काल हूँ।
एक तरीके से पूरा साल ही तैयारियों में ही रहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी की फिजिक को प्रेजेंट करना लोगों के सामने, उसको पूरे साल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हनुमान जी का कैरेक्टर देख के ही लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ कुछ लग रहा है इंसान खड़ा हुआ वहाँ पे। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली का रामलीला मैदान नवरात्र में गुलजार है। आम हो या खास, हर कोई खींचा चला आ रहा है। ग्राउंड के अंदर पैर रखने की जगह नहीं है। जब इतनी भीड़ उमड़कर आ रही है तो निश्चित रूप से लोगों के मन के अंदर बहुत उत्साह है। राम में तो बहुत आस्था है हमारी, राम तो हमारे हैं ही मर्यादा पुरुषोत्तम, वो तो हैं एक आइडियल पुरुष, उनके लिए तो काफ़ी श्रद्धा है हमारे दिल में, लेकिन यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। रामलीला सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सीख भी है। किसी इंसान का असली पैमाना उसकी स्थिति या शक्ति में नहीं बल्कि कर्तव्य निष्ठा में है। राम सत्य धर्म और कर्तव्य के आदर्श थे और रामायण भारतीय संस्कृति की ऐसी जड़ जो आज भी हमारे जीवन को आकार देती है। रामायण की धरोहर हमें यही सिखाती है कि भले ही जीवन में लाख चुनौतियां क्यों ना हो, लेकिन सत्य और नैतिकता का मार्ग ही सर्वोत्तम है। दिल्ली से सहयोगी हरी शर्मा के साथ अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम को दीजिए इजाजत, खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।